आज हमारे साथ झारखंड के माननीय विधायक इरफान अंसारी जी हैं। इरफान अंसारी जी, हम आपसे कब से मिलना चाह रहे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो रही थी। सर, हमारा एगो छोटा सा सवाल, सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। ये ईडी सीबीआई सिर्फ जहाँ पे बीजेपी शासन में नहीं है वहीं पे क्यों एक्टिव है? बाद बाकी राज्यों में क्यों एक्टिव नहीं है? क्या वहाँ पे चोरी लुटेरी नहीं होता है? वहाँ पे घोटाला नहीं हो रहा है? ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, आप इसका अच्छे से जवाब दे सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सर, सत्ता पूछ रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता का मिसयूज, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य हैं या कांग्रेस समर्पित राज्य हैं या सेकुलर जहाँ गवर्नमेंट है वहीं पर ज़्यादा लोगों को, नेताओं को परेशान किया जा रहा है जी। ये परंपरा बंद होनी चाहिए। और हमें लगता है कि कांग्रेस की भी सरकार थी यहाँ, हम लोगों ने कभी भी गुजरात में ना ईडी का प्रयोग किया, ना सीबीआई का प्रयोग किया, ना अन्य एजेंसियों का प्रयोग किया। तो अपना अपना नज़रिया है, लेकिन ये अच्छी परंपरा नहीं है, परंपरा नहीं है। तो क्या ये परंपरा खतरनाक नहीं है? माननीय मुख्य अतिथि के रूप में आज जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष बीजेपी कर रही है, झारखंड कल अगर वो विपक्ष में जाएगी तो आज जो विरोध में है वो तो कल करेगी ना। रविन्द्रनाथ महतो जी का वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।